स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर सूबे में हर तरफ कड़ी सुरक्षा देखी जा रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, चेकिंग अभियान जारी है। किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। स्वतंत्रता दिवस से पहले कैसा है सूबे में सुरक्षा व्यवस्था का हाल, देखिए रिपोर्ट। नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, सूबे में चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस, हर आने जाने वाले पर तीसरी आंख की निगाह, चूक की जरा भी गुंजाइश नहीं। स्वतंत्रता दिवस करीब, एक तरफ अलग अलग आयोजनों की तैयारी और दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट। पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पर है। गाजियाबाद में अलग अलग जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर गाजियाबाद पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। मेरे साथ डीसीपी सिटी राजेश कुमार हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। सर, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, उसको लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है और जगह जगह संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग की जा रही है। टीमें बनाई गई हैं। अभी आप कल देखेंगे पूरा जो रेलवे स्टेशन है गाजियाबाद का, वहां पे विजयनगर की पुलिस, हमारी LIU की टीम, BDS स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, इसके अलावा GRP और RPF की टीम ने सघन चेकिंग की है। ट्रेन जो आई है ट्रेन की चेकिंग की गई है। प्लेटफॉर्म पे जो यात्री थे उनके जो सामान थे सब चेक किया गया है। इसके अलावा होटल्स और जितने भी होटल्स, धर्मशाला, लॉजेज हैं, सबकी चेकिंग थाने स्तर से की जा रही है। और जो हमारे मेट्रो स्टेशन हैं, रैपिड रेल का जो स्टेशन है, बस स्टेशन है, सभी पे चेकिंग की जा रही है। मॉल हैं और जैसे बाजार हैं, मुख्य बाजार हैं, उनको लेकर क्या? वहाँ पे भी लगातार आप देखेंगे शाम को पैदल गश्त होती है। मॉल और बाजारों में भी संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग होती है, उसके लिए हमारी टीम बनी हुई है। तो सभी पे पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है। नोएडा में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाहें हैं, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली हाई अलर्ट पर है, लिहाजा आसपास के जिलों में पूरी चौकसी बरती जा रही है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले तमाम बॉर्डर्स पर ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ नोएडा पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया। आप तस्वीरों में देखेंगे सुबह से ही तमाम जो पुलिसकर्मी है वो तैनात हो गए और रात 11 बजे से जितनी भी कॉमर्शियल गाड़ियां दिल्ली में एंट्री लेती हैं उन तमाम गाड़ियों को बॉर्डर्स पर रोक दिया गया। कालंदी कुंज बॉर्डर की बात की जाए, DND बॉर्डर की बात की जाए या चिल्ला बॉर्डर, तमाम जो भी ऐसे बॉर्डर हैं जो नोएडा से दिल्ली में दाखिल होते हैं वहां पर जाने वाली तमाम कॉमर्शियल गाड़ियों को रोक दिया गया है। और पहले से ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी कि दो दिन पहले यानी आज रात 11 बजे से और 15 अगस्त कार्यक्रम तक जो भी कॉमर्शियल गाड़ियां हैं उनको दिल्ली में एंट्री नहीं लेने दी जाएगी, लिहाजा तमाम जो भी गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं उनको रोक दिया गया। और इसी तरीके से जो पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद यहां पर दिखाई दे रही है और DCP ट्रैफिक द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी कि किसी भी बॉर्डर से तमाम कॉमर्शियल गाड़ियां जो दिल्ली में दाखिल होंगी उनको पेरिफेरल से होते हुए उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, यानी जो भी गाड़ियां कालंदी कुंज, DND या चिल्ला बॉर्डर से होते हुए जाएंगी उन तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया, चाहे पैसेंजर वाहन हो चाहे मालवाहक वाहन हो, तमाम जो गाड़ियां हैं उनको रोक दिया गया। तमाम लोग भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे जो तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके की परेशानी हो रही है। कब से खड़े हुए हैं आप लोग यहां पर? सर, रात 11 बजे से। पता नहीं था कि दिल्ली बॉर्डर बंद है? नहीं जी, पता नहीं था, पहले से पता नहीं। कहा गया था कि बॉर्डर, क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि कल को बंद होगा, आज चिन्ह खुला रहेगा, दिन में बंद हो जाएगा फिर नहीं खुलेगा। कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो आप लोग? मैं तो नोएडा से आया हूँ। आगरा में भी 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 15 अगस्त को लेकर ताजनगरी आगरा में अलर्ट बना हुआ है। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था और अलर्टनेस बरती जा रही है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप आगरा कैंट की तस्वीर देख लीजिए। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन जो है वो शहर का सबसे बड़ा स्टेशन है और आए दिन अक्सर कर यहाँ पर आतंकी घटनाएं की जो पत्र है वो यहाँ पर मिलती रहती है, धमकियां मिलती रहती है। और यही वजह है कि 15 अगस्त को लेकर चाहे RPF हो, GRP हो और डॉग स्क्वाड लगातार सघन चेकिंग कर रही है हर व्यक्ति की जो भी अंदर या यहाँ आगरा में प्रवेश कर रहा है या फिर आगरा से कहीं बाहर से आकर वो आगरा में
प्रवेश करना चाहता है तो उस सब की चेकिंग यहाँ पर की जा रही है और चेकिंग के साथ साथ उनके सामानों को भी चेक किया जा रहा है। इसके अलावा वेटिंग रूम में कई लोग घंटों घंटों बैठे हैं, उनका सामान वहाँ पर रखा हुआ है तो वहाँ पर भी लगातार अलर्टनेस बरती जा रही है। किस तरीके की व्यवस्था है, क्या कुछ सीधे बात कर लेते हैं सर, किस तरीके की चेकिंग व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है? आगामी 15 अगस्त को लेकर के आरपीएफ और जीआरपी के साथ मिलकर के चेकिंग की जा रही है। तो अलर्टनेस पूरे स्टेशन पर है सर? हाँ, अलर्ट जोन पे हम लोग अलर्ट जोन पर लगातार। तो 15 अगस्त तक लगातार ये चेकिंग लगातार रहेगी। सीसीटीवी कैमरे और मॉनिटर वगैरह सब काम